आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24 और मैं हूं आपके साथ दीपिका। ये हो क्या रहा है? 1984 का भोपाल गैस ट्रेजेडी कांड तो आप सभी को याद ही होगा, क्योंकि उसको कोई नहीं भूल सकता, उसको कोई नहीं भुला सकता। एक वैसा ही कांड आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस ट्रेजेडी का 6 मई को गुरुवार को एक गैस ट्रेजेडी हुई है। करीबन 2:30 बजे के समथिंग ये सब कुछ हुआ। अभी लोग कोरोना वायरस से निपटने में लगे ही थे कि इस बीच एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हम सब लोगों के सामने आ गई। एलजी के पॉलीमर कंपनी से गैस का रिसाव हुआ है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। फिलहाल विशाखापट्टनम से 8 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है और इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि वेंटिलेटर पे भी कुछ लोग हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विशाखापट्टनम की ये जो गैस ट्रेजेडी हुई है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी कितनी खतरनाक है। अनुसार विशाखापट्टनम में 1000 लोगों से भी ज्यादा लोग इस ट्रेजेडी जो अभी हुई है, गैस रिसाव हुआ है, उससे प्रभावित हुए हैं। अब थोड़े फ्लैशबैक में हम जाके देखते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वो कैसी हुई थी, उसका क्या कारण था, सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। आज से करीबन 35 साल पहले MP की राजधानी भोपाल में एक ऐसी गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसको भुलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर दिया था। वहां के हालात इतने खराब हो गए थे कि अब भी 35 साल बाद भी अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसमें भी उस गैस ट्रेजेडी का पूरा असर देखने को मिलता है। तो उसी भोपाल गैस ट्रेजेडी के जैसी अभी आंध्र प्रदेश में गुरुवार को एक और ऐसी घटना हुई जिसने सबको झकझोर के रख दिया है। इस कोरोना वायरस की महामारी के टाइम पर जब सब लोग लॉकडाउन है, अपने अपने घरों में है, लॉकडाउन की पालना कर रही है, उसी बीच एक ऐसी घटना हमारे सामने आती है जिसको सोचने से ही हम सब की रूह कांप उठती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो गैस ट्रेजेडी हुई है आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में, इसका कारण क्या था और कौन सी गैस जो है वो रिसाव हुआ है, उसके लीकेज हुआ है, कौन सी गैस का लीकेज हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार जिस गैस का नाम बताया जा रहा है वो स्टेराइन है। स्टेराइन जो है वो एक जहरीली गैस होती है। इसका इस्तेमाल प्लास्टिक की फैक्ट्रीज में किया जाता है। इस गैस की वजह से सबसे पहले आंखों में जलन होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, वॉमिटिंग होती है। ये सभी सिम्टम्स विशाखापट्टनम के लोगों में देखे गए हैं। अब इसका कारण क्या था कि ये गैस कैसे लीक हुई वो मैं आपको भी बताती हूँ। जांच रिपोर्ट में पता चला कि गैस वाल्व में दिक्कत के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं कि विशाखापट्टनम में 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो अस्पतालों में भर्ती हैं और उसके साथ ही 80 से ज्यादा लोग जो हैं वो वेंटिलेटर पे हैं। आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी अस्पताल पहुंची, उन्होंने जो एडमिट थे, जो पीड़ित लोग थे, उनसे मुलाकात की और उन्होंने ये ऐलान किया कि जो लोग पीड़ित हुए हैं इस ट्रेजेडी से, जो ये गैस लीकेज हुई है, उससे जो भी ट्रेजेडी हुई है, जो भी पीड़ित हुए हैं, उनको 10-10 लाख रुपए और जो लोग डिस्चार्ज हो गए हैं उनको 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर चिंता व्यक्त की है और उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की बैठक भी बुलाई। इस घटना को लेकर नरेंद्र मोदी ने PM ने आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी से बातचीत की और उन्होंने हर संभव से संभव जो भी मदद हमसे हो सकेगी वो सब कुछ उन्हें मदद करने का भरोसा दिलाया है। और इसके साथ ही PM मोदी ने जो ट्वीट किया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने ट्वीट के जरिए सबसे क्या कहा है। मैंने विशाखापट्टनम की स्थिति को लेकर गृह मंत्रालय और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों से बात की जो स्थिति पर नजर रख रहे हैं। मैं सभी की सुरक्षा और अच्छे होने की कामना करता हूं। आप सब लोग भी सोच रहे होंगे कि लोग इस कोरोना वायरस की विपदा से अभी उभरी भी नहीं थे कि एक और ट्रेजेडी हमारे सामने आ गई, एक और ट्रेजेडी हमें देखने को मिली। वैसे ही आंध्र प्रदेश जो है वो कोरोना वायरस के मामले में ऑरेंज जोन में रखा गया था, पर अब इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में सुनना बहुत ज्यादा कठिन बात है। हम तो यही दुआ करते हैं कि ये जो ट्रेजेडी हुई है विशाखापट्टनम में, इसके परिणाम भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसे ना हो। आप सबकी क्या राय है इस बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।